हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरके सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण वैकेंसी आई हुई है और ये वैकेंसी उन लोगों के लिए जो ला स्नातक हैं, काफ़ी समय से वो इसका इंतज़ार कर रहे थे, तो वो इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है, वैकेंसी आ चुकी है। तो उसी के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी देना चाह रहा हूँ, मुख्य मुख्य जानकारी, ताकि आप उसको समझ सकें और फार्म को फिलिप कर सकें। चलिए, पद का नाम है आपका सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी। तो ये पद का नाम है, क्या नाम है? सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, और इसको हम संक्षेप में बोलते हैं ADPO। तो बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग जॉब है ये, और हर लायक स्नातक इसको जो है वो करना चाहता है। तो चलिए, उसके बारे में आपका विज्ञापन आ चुका है और फार्म भरने आपके जो है वो 17 जून 2021 से, डेट याद रखिए, 17 जून 2021 से ADPO के फार्म भरने आपके स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी अंतिम तारीख जो है वो आपकी है वो 16 जुलाई 2021। तो बिल्कुल अंतिम डेट तक आप इंतजार ना करें, क्योंकि सर्वर वगैरह डाउन होने से काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो समय पर ही इसका जो है वो आवेदन कर दें। तो 17 जून 2021 से आपके फार्म भरने शुरू हो जाएंगे, 16 जून 2021 तक आप जो है वो फार्म डाल सकेंगे। और इसके लिए योग्यता, तो योग्यता इसमें जो है वो लॉ ग्रेजुएट, या इसको हम विधि स्नातक बोल सकते हैं, विधि स्नातक है। जैसे कि जो लोग BA LLB पास हैं, उनकी डिग्री कंप्लीट है, तो वो लोग भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। और जहां तक पदों की संख्या है, तो पद इस बार जो है वो 92 पद हैं, थोड़ा सा कम लग रहे हैं, लेकिन बिल्कुल इसमें उत्साहित होने की बात नहीं है, क्योंकि पदों के संख्या कम या अधिक होने से मेरिट में जो है बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। क्योंकि होता क्या है असल में, कि जो सबसे निचले अंक वाले होते हैं, तो वहां पर छात्रों की संख्या काफी अधिक होती है। मान लीजिए ये पद 92 की जगह अगर 200 भी होते, तो भी मेरिट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। तो अपने उत्साह को बनाए रखें, पदों की संख्या ठीक है। और आगे चलते हैं हम, तो ये पद जो है वो आपके राज्य द्वितीय श्रेणी का जो गजेटेड पोस्ट है, ये अच्छी बात है ये। और अब हम बात करते हैं आयु सीमा की, तो कौन लोग दे सकते हैं ये, तो 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक आयु सीमा क्या रखी है, जिन्होंने 21 वर्ष पूरा कर लिया है और 40 वर्ष पूरा नहीं किया है, तो वो लोग इसको दे सकते हैं। और हम बता दें कि आयु की गणना किस तारीख से की जाएगी, ये किस तारीख से देखा जाए कि 21 वर्ष पूरी की गई है या 40 वर्ष पूरी नहीं की गई है। तो आयु की गणना जो है वो 1 जनवरी 2022 की तारीख से आयु की गणना की जाएगी। और अब रही छूट, तो जो भी आरक्षित वर्ग हैं, जैसे ST है, OBC है आपका, ST SC, OBC, विकलांग, तो इनको आयु सीमा में जो है 5 वर्ष की छूट दी गई है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ध्यान रखें कि EWS को जो है वो आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है, केवल उनके लिए जो है वो 10% पद जो है वो आरक्षित रखे गए हैं, तो उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। और चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया की हम बात करें, तो चयन प्रक्रिया में जो है वो 2 चरण होंगे। पहले चरण में आपकी जो है ऑनलाइन एग्जाम होगा और द्वितीय चरण में आपका जो है वो साक्षात्कार होगा, इसकी जानकारी हम आगे आपको देंगे। अब चलते हैं इसका एग्जाम डेट या परीक्षा इसकी जो है वो कब होगी, इम्पोर्टेंट है एग्जाम डेट कब होगा, क्योंकि उसी के आधार पे हम जो अपनी तैयारी करते हैं। तो कोरोना काल के कारण से विशेष रूप से यही माना जा रहा है कि एग्जाम डेट आयोग द्वारा घोषित जो है वो इसीलिए नहीं की गई है, और एग्जाम डेट की घोषणा जो है वो आपके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो है वो बाद में की जाएगी। तो इसका मतलब नहीं कि हम तैयारी ना शुरू करें, क्योंकि काफ़ी बड़ा सिलेबस है, सिलेबस में परिवर्तन हुआ है, और परिवर्तित सिलेबस के आधार पर ये जो है वो 2021 की पहली परीक्षा होगी। लाके क्षेत्र में भी, लाके जो सिलेबस था उसमें काफ़ी
एक्टों को, अधिनियमों को जो है उसमें शामिल किया गया है। तो आप अपने सिलेबस के अनुसार जो है वो उसको देख लें, बुकें अपने कलेक्शन कर लें ताकि हम पढ़ाई कर सकें। और चलिए हम चलते हैं आगे। तो शुल्क, परीक्षा शुल्क जो है वो आपका जो है वो STSC और OBC के लिए, STSC OBC और विकलांग के लिए जो है वो 500 रुपया आपकी शुल्क है और 440 रुपया जो है आपकी पोर्टल शुल्क है। इस प्रकार से कुल कितना है 540 रुपया। और इनसे जो अदर हैं, जो आपके STSC OBC या विकलांग श्रेणी में नहीं आते हैं, तो उनके लिए परीक्षा शुल्क आपकी जो है वो 1000 रखी गई है और 40 रुपया आपका जो है पोर्टल शुल्क है। इस तरह से कुल आपकी जो फीस है 1040 रुपये है। चलिए आगे चलते हैं हम परीक्षा की योजना, परीक्षा कैसे होगी। तो परीक्षा में जो है वो दो चरण होंगे। प्रथम चरण आपकी ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव एग्जाम है और द्वितीय चरण में आपका जो है वो साक्षात्कार है। चलिए हम उसके बारे में जानते हैं। तो इस परीक्षा में जो आपका प्रथम चरण में है उसमें आपकी जो है परीक्षा होगी, उसमें जो है वो आपके जो है वो 100 कुल प्रश्न होंगे, आपके 150 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न जो है आपका 3 अंक का होगा। तो इस तरह से कुल आपके जो है वो अंक कितने होंगे, 450 होंगे। और इन 150 प्रश्नों को दो भागों में बांटा गया है। तो खंड आ में आपका जो GK रखा गया है, जिसमें आपका MP GK है और भारत का GK और विश्व का GK। इस प्रकार से बड़ी गोल मटोल बात की गई है। कुल मिलाकर के आपको MP GK और GK ये दोनों आपको जो है वो पढ़ना है। और इनमें आपके जो है वो कितने प्रश्न होंगे, तो देखिए खंड आ में GK के आपके जो है वो 50 प्रश्न होंगे और इनको भी डिवाइड कर रखा है। GK का 3 पार्ट बना रखे हैं। MP GK से आपके जो है वो 35 क्वेश्चन आएंगे। फिर आपका India GK 10 क्वेश्चन और World GK आपके 5 क्वेश्चन। इस तरह से 35 क्वेश्चन, कुल प्रश्न कितने आएंगे 50, अंक होंगे आपके 150। और खंडवा देखें हम, तो इसी में खंडवा जिसमें आपके ला संबंधी प्रश्न होंगे, आपके प्रश्नों की संख्या आपकी जो है वो कितनी होगी, 100 होगी और कुल अंक आपके कितने होंगे, 300 होंगे। तो प्रश्नों की संख्या 100, कुल अंक जो है वो 300 होंगे। और यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रथम चरण की जो परीक्षा हो रही है उसके नेचर की बात कर लें। तो प्रश्न पत्र की कुल अवधि जो है वो आपकी 3 घंटे की होगी, माने 3 घंटे में आपको जो है वो 150 ऑब्जेक्टिव, जिसको हम बोल सकते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करने होंगे। और एक चीज हमको और ध्यान देना होगा कि इसमें जो है वो माइनस मार्किंग रखी गई है, जिसे हम ऋणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो माइनस मार्किंग जो है वो 1/3 है। जैसे कि यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका जो है 1 नंबर कटेगा, अगर सही करते हैं आपको तो 3 नंबर आपको मिलेंगे। माने 1 क्वेश्चन सही होने पर आपको 3 नंबर और गलत होने पर जो है वो आपका जो 1 नंबर जो है वो काटा जाएगा। और आगे हम चलते हैं, तो इसी में देखते हैं थोड़ा प्रथम चरण में। तो प्रथम चरण में जो है वो कुछ न्यूनतम अर्हता अंक रखे गए हैं। जैसे कि आपका प्रथम चरण में जो है वो दोनों भाग में, प्रथम चरण के जो खंड आ और खंड बा माने GK और ला दोनों में आपको जो है वो कुल 40% अंक आपको लाना अनिवार्य होगा। तो खंड आ खंड बा हम कह सकते हैं कि 450 अंकों में हमको जो है वो 40% अंक जो है वो भी खंड आ और खंड बा में पृथक पृथक रूप से लाना हमको अनिवार्य होगा। हाँ, यहाँ पर ST SC और OBC को और जो विकलांग है तो उनको जो है वो छूट दी गई है, उनको जो है वो दोनों खंडों में अलग अलग 30% न्यूनतम अंक जो है वो लाना अनिवार्य होगा। तो मोटी मोटी जानकारी हमने बता दी। और सिलेबस भी अगर आप चाहेंगे तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 930-281-2239। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके और हमसे जो है वो नवीनतम सिलेबस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या आपके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट में भी जो है इसकी जानकारी, सिलेबस जानकारी अवेलेबल है। तो आप सिलेबस देख लीजिए और आज से ही नहीं बल्कि अभी से जो है वो इस तैयारी में जुट जाइए, ताकि इस सुनहरे अवसर का जो है वो आप भली भांति उपयोग कर सकें, फायदा उठा सकें। तो मेरा ये जानकारी कैसी लगी आपको,
छात्रों के हित में मैं ऐसे अक्सर वीडियो बनाता हूँ, कोई भी नई नई वैकेंसी आती है तो उसके बारे में विश्लेषण करके और उसकी मुख्य मुख्य चीजें जो आपके लिए जरूरी होती हैं वो मैं आपको बताता रहता हूँ। तो मेरे सभी दर्शक जो नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप जो है वो लाइक करके हमें जो है वो एक आत्मबल प्रदान करें। तो मैं आरके सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, अगले वीडियो तक आपसे जो है वो विदाई लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।